नमस्ते हम लोग मोटापा पसंद नहीं करते लेकिन मोटापा दो प्रकार से हो सकता है एक तो मोटापा है वायु से जब शरीर में वात बढ़ जाता है तो वजन ज़्यादा बढ़ेगा नहीं लेकिन फुलावा आएगा और ये जो मोटापा है ये भी एक मोटापा ही है आखिर और दूसरा है जैसे मेद बढ़ता है तो वजन बढ़ेगा और मेद बढ़ता है जहाँ जहाँ फिर यहाँ मेद आएगा कुल्लों में आएगा पेट बड़ा हो जाएगा ये सब इस तरह से मेद बढ़ेगा बहुत इलाज बताते हैं बहुत इलाज लोग करते रहते हैं और ये मोटापा तो अच्छा है ही नहीं क्योंकि यहाँ पेट बढ़ा कि कैंटिलीवर हो गया मतलब यहाँ वज़न दिया किसी ऐसा एक पिलर है और उसके ऊपर यहाँ वज़न दिया इतना वजन तक तो ठीक है इतना लंबा कैंटिलीवर करेंगे तो पिलर भी धोखे में आ जाएगा तो इसलिए हार्ट के बीमारियां हैं ऐसी सब बीमारियां वो जो पेट बढ़ता है ना उनके लिए होने का संभव रहता है तो हमें मोटापा भी नहीं चाहिए और वात भी नहीं बढ़ना चाहिए और मेद भी नहीं बढ़ना चाहिए और एकदम आसान इसलिए आसान है कि ये तिल का तेल है इसका ही सिर्फ इस्तेमाल करना है लेकिन ये भी आजकल बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है हमने देखा कि ऐसी महामारी के समय में भी लोग मिलावट का धंधा कर रहे हैं ज़्यादा भाव ले रहे हैं, तो ये तेल जो होता है ये तिल का तेल है ये तिल का तेल जो है तो ये जो तेल है वो एकदम शुद्ध है इसके अंदर दूसरा कुछ भी नहीं है शायद आपको बायोलॉजिकल मिल गया वगैरह तो अच्छा ही है लेबल्स लोग लगा देते हैं ऐसा भी कुछ फ़ायदा नहीं है लेकिन एक बात है कि इसके अंदर ये कोई दूसरा तेल मिलावट न हो तो ये तिल का तेल है और क्या करना है सुबह शाम एक जनरली जिसको फैट और वात वृद्धि हो चुकी है उनको एक दो चम्मच मतलब है ये चम्मच है तो ये देखिए एक चम्मच ये दो चम्मच और थोड़ा बड़ा चम्मच होगा तो और भी अच्छा है तो ये इसलिए इतना तेल लेके सुबह शाम पीना है अभी जिसको गर्म पड़ता है शायद किसी को तिल जो है वो गर्म चीज़ है तो ऐसे लगेगा कि गर्म हो रहा है तो ये गर्म होगा शरीर में या कोई ऐसे खुजली आएगी या पाइल जैसा है, हेम्ब्रॉयड जैसा कुछ हो गया तो आधा लीजिए एक चम्मच लीजिए और वो भी दो बार आपको लेना है बस उसके ऊपर आप चाय पी लीजिए उसके ऊपर थोड़ा पानी पी लीजिए गर्म पानी पी लीजिए भाई इसको कोई ऐसे अनुपान आवश्यकता नहीं है और देखिए क्या है आपकी स्किन वगैरह सुधरेगी इसमें क्या है यह तिल का तेल का बताया है कि बुढ़ापा एकदम दूर जाता है मतलब बुढ़ापा जल्दी आता ही नहीं है और बहुत जो काम करने की शक्ति और जैसे आमतौर पर एक वजन है तो कोई एक पच्चीस तीस किलो की सूटकेस में उठाता हूँ तो फिर बाद में चालीस किलो भी उठा सकेंगे ऐसी ताकत आती है स्किन भी अच्छी दिखती है और इसका इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा बढ़ाना है तो बाहर से पेट पर कई जहाँ हाथ है जहाँ मेद है वहाँ पर मसाज भी कीजिए तिल के ऑयल का और तिल ऑयल तो ऐसे ही रहेगा फिर वो अच्छा नहीं है लगाने के लिए ऊपर से तो अभ्यंग सेसम ऑयल चाहिए और संतुलन का हो तो तो वो बहुत ही आयुर्वेदिक परंपरा से बनाया हुआ है आप थोड़ा सा पेट पर छाती पर फूलों पर जहाँ जहाँ मेदे वहाँ लगाइए ये सब फायदे तो साथ में हैं दो फायदे आपके लिए बहुत आवश्यक हैं एक तो आप बुढ़ापा दूर ढके लिए जवान रहिए और दूसरा जो है वो कहीं भी मेद, मेद और शरीर बेताल नहीं होने देना